अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मतंजन बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। एक एक दाना बहुत ही निखरा हुआ बनेगा और जो कलर का इशू होता है कि कलर फैल जाता है या फिर अच्छे से चावल गलते नहीं हैं, तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। इस रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा। मेरे चैनल मुल्तानी तड़का पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें। चलिए जल्दी से ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप भी अगर खिले खिले चावल बनाना चाहते हैं तो रेसिपी में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, खुला पानी लेंगे और इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर तेल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल जो होता है वही ऐड किया है। अब इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर चावल हैं, इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो लिया था और भिगोने के बाद इसमें ऐड किया है। यहाँ पर जो मैंने चावल यूज़ किए हैं ये कच्ची बासमती के ही हैं। ज़्यादातर जो मतंजन होता है वो सेला चावल से बनाया जाता है, लेकिन हम कच्ची बासमती ही यूज़ करेंगे। तो आप चाहें तो आप इसे सेला चावल से भी बना सकते हैं। उसे आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोना है। इसको अच्छे से हमने बॉईल करना है और इसको 90% तक कुक कर लेंगे, यानी कि 1 कन्नी के चावल हमने बॉईल कर लेने हैं। अगर आप इसको फुल कुक कर लेंगे तो ये कच्ची बासमती के चावल हैं तो ये बहुत नरम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे होंगे तो फिर आप फुल बॉईल कर लीजिएगा। यहाँ पर अब हमें चाहिए होंगे कलर्स। मैंने चावल का पानी निकाल लिया है और उसे एक स्टेनर में रख लिया है। 3 तरह के कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन, रेड और इसके अलावा ऑरेंज कलर यूज़ किया है। और इसमें जो हमने चावल बॉईल करके रखे हैं वो तकरीबन 1-1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर कलर को ऐड किया जाए तो बिल्कुल भी नहीं फैलता, बिल्कुल देगी स्टाइल चावल बनते हैं। और जो चावल हमें लगते हैं कि टूटे टूटे से हैं, क्योंकि हाफ पर कलर आ जाता है हाफ पर नहीं आता, तो फिर ये इशू नहीं होगा आपके साथ। बस इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे हम रख लेंगे और जिस टाइम पर चावलों को दम लगाएंगे उस टाइम हमने ये ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने लिक्विड कलर यूज़ किए थे। आप अगर पाउडर वाले यूज़ करेंगे तो पानी ऐड कर लीजिएगा तकरीबन 1-1 टेबलस्पून के बराबर। पानी को ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा वरना फिर ये फैल जाता है और सारे चावलों पर कलर आ जाता है। तो जितना कम हो आपने पानी ऐड करना है। लिक्विड कलर यूज़ कर रहे हैं आप तो 1 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा कलर को। अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने मिक्सिंग कर ली है और मिक्सिंग करने के बाद इसको करते हैं साइड पर और कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से यहाँ पर पैन रख लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे घी। अगर घी में ज़र्दा बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है, खुशबू सी आती है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने ऐड कर दी है इलायची। इलायची ले ली थी तकरीबन 7 से 8 दाने। अच्छी तरह से इसको कड़कड़ा लेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। अब हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। तो यहाँ पर 3 पाव के बराबर मैंने चीनी ऐड कर दी है। 1 किलो चावल हैं तो उससे कम यानी कि 3 पाव हमने चीनी ऐड कर देनी है। ये चीनी की मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट है, परफेक्ट मीठा रहता है, ना तेज़ होगा ना कम होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप बराबर की चीनी भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1 किलो चावल 1 किलो चीनी। इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है तकरीबन 1 कप के बराबर। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, साथ ही नमक ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। इससे जो फ्लेवर है टेस्ट है वो अच्छा सा आता है, ज़्यादा जल्दी पेट नहीं भरता मीठा खाने से। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। पकाने के बाद जैसे ही इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद हमने चावल ऐड करने हैं। तो मैंने भी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ही पकाया है। अब इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ जो बॉयल करके रखे थे। आपने चावल बॉईल करते हुए कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना। बहुत से लोग इसमें दालचीनी ऐड कर देते हैं, लौंग ऐड कर देते हैं, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तब तो ऐड कर लीजिएगा, वरना खाली ही इनको बॉईल कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको शीरे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस टाइम पर चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कच्ची बासमती है लेकिन फिर भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें शीरे में ऐड करते हैं ये थोड़े से सख्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 90% ये पहले ही कुक हैं, अब हमने इन्हें 10% ही कुक करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है शीरे में और ड्राई कर लिया है शीरा,
साथ ही इसमें जो हमने कलर करके रखे हुए थे चावल वो इसमें ऐड कर देंगे। तीनों कलर थोड़ा थोड़ा स्पेस पर ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जितने भी नट्स रखे हुए हैं, जो भी मीठा इसकी सर्विंग के लिए होता है वो रखा हुआ है, साथ ही ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें बादाम ऐड कर देंगे। बादाम को मैंने बॉईल कर लिया था, उसका छिलका रिमूव करके टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कोई भी नट्स आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पर थोड़ा सा हमने केवड़ा एसेंस ऐड करना है, जिससे बिल्कुल देगी खुशबू आएगी। थोड़ी सी इसमें अशरफियाँ ऐड कर देंगे। इसको मीठा मुरब्बा भी बोला जाता है, और आपने पहले इसको धो लेना है, इसका पानी निकाल के ड्राई करके फिर ऐड करना है। अब इसमें हमने डाल देने हैं रसगुल्ले और इसको दम पर लगा देंगे। दम देना है हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, और अच्छे से कवर करके रखिएगा ताकि जो भाप है बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो मैंने एक दफ़ा इसका ढक्कन बीच में उठा दिया था, क्योंकि कैमरे पर फिर बहुत ज़्यादा धुआं आ जाता है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से इसको दम आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार से, और बिल्कुल जो इसकी खुशबू है वो देगी आ रही है। आप भी बनाएंगे इंशाल्लाह सबको ये पसंद आएंगे। तो रबी लवल स्पेशल ये रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही निखरे निखरे से चावल बने हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि एक एक दाना बिल्कुल अलग है। इसको मैंने यहाँ पर हल्का सा मिक्स कर लिया है, लेकिन इसकी मिक्सिंग का एक ख़ास तरीका होता है कि चावल अगर कम हैं तो आप इसको देगची में ही हिला सकते हैं, लेकिन अगर चावल ज़्यादा हैं तो आपने प्लेट की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने इसको इसी तरह से मिक्स किया है, कलर बिल्कुल इक्वल आया है। जिस तरह से देगी चावल होते हैं उसी तरह से ये बने हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में दावत हो, कोई भी फेस्टिविटी हो, आप ये रेसिपी बना सकते हैं, ये सबको ही पसंद आता है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह एक एक दाना बिल्कुल निखरा हुआ बनेगा, चावल बिल्कुल टूटेंगे नहीं, और जो चीनी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।